असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो टूडे आईम टॉकिंग अबाउट अन अदर प्रोडक्ट बाई ऑर्गेनिक ट्रैवलर इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवलर के नाइसिनाइट सीरम की वीडियो बनाई थी वाइटमिन सी सीरम पर वीडियो बनाई थी सो नाउ इट्स टाइम के हम इसके एक और बहुत ज़्यादा पॉपुलर और हमेशा सोल्ड आउट रहने वाले प्रोडक्ट यानी कि ग्लो एस पी एफ़ इनका जो टिंटेड सन ब्लॉक है इसके बारे में बात करें सो दिस इज़ अ मिनरल सन स्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिक्सटी एस पी एफ़ है और ये टिंटड है यानी कि इसमें थोड़ा सा वाइट कास्ट वाइट कास्ट से ज़्यादा मैं कहूँगी थोड़ा सा फाउंडेशन वाला इफेक्ट है इसके अंदर जो आपकी स्किन की नेचुरल जो आ, कलर है उसके साथ ब्लेंड हो जाता है और एक नाइस ग्लो आपके फेस पर देता है सो so, आप देख लें कि एक बिल्कुल न्यू बॉटल है यहाँ पर और एक बॉटल है जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ इसकी क्वान्टिटी से आप अंदाजा लगा सकते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल एज ऑलवेज़ आई एल बी टॉकिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स इन ब्रीफ सो दट जिन लोगों को नहीं पता उन्हें कुछ आइडिया हो जाए कि सन ब्लॉक में कौन से इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है ये दो डिफरेंट बॉटल्स इसलिए लग रही हैं बिकॉज एक न्यू है एक ओल्ड है सो so इनकी जस्ट पैकेजिंग चेंज हुई है इंग्रीडियंट्स आर सेम एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स में इसमें जिंक ऑक्साइड है।, है जो आपकी स्किन पर होने वाले सन बर्न से प्रोटेक्ट करता है और सन एक्सपोजर से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट कर रहा होता है और टाइटेनियम ऑक्साइड इज़ समथिंग जो मिनरल सनस्क्रीन में और जो सन रेज को रिफ्लेक्ट करता है यू वी ए यू वी बी से प्रोटेक्शन देता है सो so, ओवरऑल uh, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं क्योंकि मैंने भी पर्सनली इस सन ब्लॉक के डिफरेंट रिव्यूज़ देखे हैं और ख़ुद भी डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इसके बारे में सो so, uh, अगर इसके टेक्स्चर और इसकी ब्लेंडिंग और किस स्किन टाइप को ये सूट करेगा इन सब चीज़ों की अगर मैं बात करूँ so, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, स्किन मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन में आती है लेकिन स्किन जब मैं फ़ेस वॉश करती हूँ सीरम्स लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ उसके बाद कुछ टाइम लगता है स्किन पर ऑयल आने में और अगर मैं इसको फ़ौरन से अप्लाई करूँ तो ये उतना अच्छा ब्लेंड नहीं होता मॉइस्चराइज़र के बाद भी और ये पाउडर बन के उतरना शुरू हो जाता है जब इसको ब्लेंड करो ज़्यादा और अगर आपकी स्किन जो है मैंने कुछ टाइम के लिए स्किन केयर की है मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ दिया है और स्किन पे नेचुरली ऑयल आ गया है फिर ये इजीली ब्लेंड हो जाता है बाकी ये अदर बॉडी पार्ट्स पे नेक पे हैंड्स पे ये इजीली ब्लेंड हो जाता है आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने अभी ब्लेंड किया एक नाइस ग्लो भी आ गया है दूसरी चीज़ इसको यूज़ करने की ये है कि आप इसको फेस वॉश करके स्किन केयर मॉइस्चराइज़र लगा के अप्लाई करें लेकिन इसको इतना ज़्यादा ब्लेंड करने की उस टाइम कोशिश ना करें बिकॉज़ इट सीम्स के थोड़ा थोड़ा लगता है कि ये ऊपर रखा हुआ है लेकिन इसको छोड़ दें अगर कुछ देर तो फिर भी ये ब्लेंड हो जाता है लेकिन जब आप जल्दी में होते हैं तो यू कॉन्ट वेट दिस मच के वो स्किन में खुद ही ब्लेंड हो तीसरा एक तरीका ये मुझे सूट किया है कि अगर मैंने इसको री अप्लाई करना है यानी कि मैंने मॉर्निंग में कोई और सन ब्लॉक लगा लिया है और तीन चार घंटे बाद जब मेरी स्किन पर ऑयल भी आ चुका है और जो है लाइक अगेन ऑयल वाली बात है या मॉइस्चर की बात है तो ये तब भी ब्लेंड हो जाता है सो तो री अप्लिकेशन के लिए भी ये सन ब्लॉक अच्छा है तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा एक्सपीरियंस विद दिस सन ब्लॉक और आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये मुझे सूट क्यों नहीं कर रहा ऑल दो मेरी कॉम्बिनेशन है ऑयली स्किन है फिर भी ये ब्लेंडिंग uh, में अच्छा नहीं लग रहा मुझे uh, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सेम मेरे वाला इशू फेस करना पड़ रहा है और बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनकी ड्राई स्किन है फिर भी उन्हें ये बहुत सूट कर रहा है जैसे कि मेरी सिस्टर उनकी ड्राई स्किन है उन्होंने ये ट्राई किया था और उनकी वजह से मैंने uh, उन्हें पसंद आया जिनके लिए मैंने ये एक और बॉटल जो न्यू बॉटल है वो ऑर्डर की है नाउ आई डोंट नो लोगों के इसके बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्यों हैं मैंने इसको डिफरेंट मैथड से यूज़ करने की कोशिश की है आप क्वान्टिटी से देख सकते हैं मैंने हाथों पर नेक पे इवन फेस पर भी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके और डिफरेंट मैथड्स से इसे यूज़ किया है आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं अगर कोई यूज़ कर रहा है कि उन्हें क्या सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है या उन्हें ये सूट कर रहा है बिकॉज एज आई सेड के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इसके बारे में अब यह था मेरा रिव्यू जो लोग इसको ऑर्डर कर चुके हैं वो इन डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं स्किन को मॉइस्चराइज करके या फिर रीएप्लीकेशन के तौर पे और जो अभी तक ऑर्डर करना चाह रहे थे और वो रिव्यूज़ देख रहे हैं डिफरेंट लोगों के तो उनसे मैं कहूँगी कि अगर आपने ये यूज़ करना है इट इज़ अ नाइस सन ब्लॉक लेकिन आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ होनी चाहिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र के बाद यू हैव टू वेट कि आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल आए और फिर आप इसको यूज़ करें तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इन, इनको यूज़ कर सकते हैं हो सकता है आपको कुछ भी ना करना पड़े और आपको ये ऐसे ही सूट कर जाए तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सन ब्लॉक प्राइस की अगर मैं बात करूं दिस इज फॉर एटीन हंड्रेड रुपीज फिफ्टी एम एल आप इनकी वेबसाइट से ऑर्गेनिक ट्रेवलर या फिर इंस्टाग्राम पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं दैट्स इट फॉर टुडे अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो अपना एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर करें एंड आई बी मीटिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अनदर प्रोडक्ट Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. And there are many people who videos hain but subscribe not. Um, I have a lot of content to share, so I just need your subscription. That's it from my side. Take care, Allah Hafiz.